हाथ खोलो, दिमाग खोलो, हाथ हाथ मत जोड़ो, दिमाग खोलो। हम इन चुनाव में बैसाखियों का सहारा छोड़ के, किराए के घरों का सहारा छोड़ के अपने मकान को कैसे मजबूत करें। विपक्ष सरकार को मजबूर कर सकता है लेकिन कानून को लागू नहीं करा सकता है। दुश्मन का मुकाबला हमें अपने छोटे छोटे साधनों से करना पड़ेगा। उनकी सत्ता में बैठ के जो प्रलोभन वो देंगे, झूठे वादे करेंगे, उनका मुकाबला हमें अपने माउथ मीडिया से करना पड़ेगा या फिर बहुजन मीडिया के साथियों का। अब हमारे पास सबसे पहला जो संकल्प होना चाहिए अधिवेशन पे, ताली बजाने से, नारे लगाने से आगे बढ़ के, वो ये होना चाहिए मेरे आपके सबके जहन में कि हम इन चुनाव में अपनी पार्टी को सफल कैसे बनाएं, हम इन चुनाव में अपनी पार्टी को अपने पैरों पे कैसे खड़ा करें, हम इन चुनाव में बैसाखियों का सहारा छोड़ के, किराए के घरों का सहारा छोड़ के अपने मकान को कैसे मजबूत करें, हम इन चुनाव में अपने सहारे पे कैसे खड़े हों, क्योंकि कानून बनाने की ताकत वो सदन में है। आपके प्रदेशों में जो विधानसभाएं हैं और आपके भारत में जो लोकसभाएं हैं, दोनों सदनों में ही कानून बनाने की ताकत है और कानून को लागू कराने की ताकत भी उन्हीं के पास है जिनकी सरकार। विपक्ष कानून लागू नहीं करा सकता है, विपक्ष सरकार को मजबूर कर सकता है लेकिन कानून को लागू नहीं करा सकता है, ना ही कोई कानून बना। तो मैं मध्य प्रदेश को के साथियों को तो धन्यवाद देता हूं उस रैली के लिए, लेकिन जैसा हमारे एक वरिष्ठ साथी ने कहा कि यहां और संगठनों के लोग भी दिल्ली में सालाना जलसे करते हैं, लाखों लाखों लोग लेके आते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत इतनी नहीं कि वो एक व्यक्ति के को रोजगार दे दे, तो हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि बात तो बिल्कुल सही कि सिर्फ लोग इकट्ठे करने से कुछ नहीं होगा, लोगों को वोट डालने के प्रति आपकी पार्टी को तैयार करना पड़ेगा। और इसके लिए बेसिक ये है कि जो हमारी वहां उन प्रदेशों में पार्टी के प्रभारी हैं, जो हमारे मिशन 78 के प्रभारी हैं, मिशन 78 के लोग हैं, उनको कार्यकर्ता को इस लड़ाई को लड़ने के लिए इस मैदान, ये सजा हुआ मैदान है, उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। दुश्मन का मुकाबला हमें अपने छोटे छोटे साधनों से करना पड़ेगा। उनकी मनी माफिया मीडिया का मुकाबला, उनके अखबार का, उनके टेलीविजन का, उनके विज्ञापन का, सत्ता में बैठ के जो प्रलोभन वो देंगे, झूठे वादे करेंगे, उनका मुकाबला हमें अपने माउथ मीडिया से करना पड़ेगा या फिर बहुजन मीडिया के साथियों का धन्यवाद कि वो हमारी आवाज को उठाते रहते हैं। आपको अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, आपको इस चैलेंज को स्वीकार करना पड़ेगा और आपको जमीन पर जाके काम करना पड़ेगा, आपको भाईचारा बनाना पड़ेगा, आपको लोगों को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, आपको अपने संगठन को बहुजन बनाना पड़ेगा। जैसे जब मैं यहां आया, हम एक ही समाज के, दलित समाज के लोग सबसे आगे बैठे हुए थे, मैं इस बात को बहुजन नहीं मानता, तभी मैंने माननीय अध्यक्ष जी से कहा कि भाई ये सही नहीं है, हम बहुजन की बात करते हैं, हमारे संगठन, हमारी पार्टी में हमने इस आइडियोलॉजी को पूर्णतः आत्मसात किया, अपने संविधान में भी आत्मसात किया है, तो हमारा मंच भी बहुजन समाज का मंच होना चाहिए। अगर हमारी कथनी और करनी में फर्क होगा तो हम ज्यादा दिन इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि यह आंदोलन ही पूर्णतः सत्यता पर आधारित है, सच्चाई का आंदोलन, ईमानदारी का आंदोलन। इसलिए तत्काल मैंने इनसे कहा कि चलो, हमारे सभी साथी इतने तैयार नहीं है, उनको जानकारी भी नहीं थी, तो हमें अगर क्या तो हम सब लोग नीचे बैठेंगे या फिर जितने सीनियर साथी हैं, हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ बिठाने। और यह भावना जब मेरे अंदर है तो आपके अंदर भी होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बताइए। जब यह भावना आपके अंदर होगी और आप जमीन पर इस तरह की इस विचार के साथ काम करोगे, और मोहरे बनने की बजाय, जो दुश्मन मोहरे बनाना चाहता है हमारे बहुजन समाज के लोगों को आपस में टकराव करा के, जो हमारी एकता को तोड़ना चाहता है,
उनके मोहरे ना बनके, दुश्मन की मदद ना करके, अपनी छोटी छोटी बातों को वहीं निपटा के और भाईचारा पैदा करना पड़ेगा, विश्वास मजबूत करना पड़ेगा कि हमारे जो रिश्ते हैं वो सच्चे रिश्ते हैं और हम लोग दिल से इस आंदोलन को कामयाब करना चाहते हैं। जब आप गांव देहात में जाके हमारे उन अति पिछड़े समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करोगे, पहली बात तो मैं दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, स्पेशली मुझे गर्व है कि आप इस आंदोलन को आपने अब तक अपने खून से सींचा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको और थोड़ा सा और तैयारी करनी पड़ेगी, अपने आप को पीछे रख के अपने भाईचारे के भाइयों को आगे करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन बड़ा चालाक है। दुश्मन हमारे लोगों को वो विधायक भी बना रहा है, एमपी भी बना रहा है और उनके हाथ में पावर नहीं दे रहा है, उनको व्यक्तिगत तनख्वाह देने लायक बना के उनसे उनके समाज का चेहरा बना के उनकी वोट को लूटने का काम कर रहा है। इसलिए आपको और हमको दुश्मन के आंदोलन को भी समझना पड़ेगा कि उसने क्या तैयारी की। इसलिए गांव देहात में जाके पाल प्रजापति कश्यप निषाद मौर्य सत्य कुशवा सैन जो तमाम पिछड़ी जाती है उनके बीच में जाके उनको समझाना पड़ेगा कि आज के हालात क्या है। वो बार बार हमारी ताकत को हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाएगा, हमें धर्म विरोधी राष्ट्र विरोधी तमाम तरह की बातों से लोगों को गुमराह करने का काम करेगा। हम चाहते क्या इस देश में, इस बात को पहुंचाने के लिए आपको उनके बीच में जाना पड़ेगा और आपको उनको ये बताना पड़ेगा कि आप ये सोचो कि मैं अभी मध्य प्रदेश गया था, आजादी के 75 साल के बावजूद भी भाई किशन लाल बागरी यादव के घर अगर कच्चा मकान है, उसके समाज पे आस पड़ोस में कच्चा मकान है, तो आज भी इस देश में तमाम सरकारें रही, उन्होंने हमें इंसान भी नहीं समझा और उन्होंने ये भी नहीं समझा कि ये पक्के मकान में रहने लायक। इसलिए हमें जमीनी तौर पे अपने आंदोलन को तैयार करना पड़ेगा और आपस में ना लड़के भाईचारा बना के बहुजन समाज के लोगों में एक दूसरे के सुख दुख की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और यह समझना पड़ेगा हर घटना के पीछे दुश्मन की कोई ना कोई साजिश हो सकती है, तो जल्दबाजी ना करके घटना की तह पे जाना पड़ेगा। अगर बिना घटना की तह पे जाएंगे तो प्रथम दृष्टया बहुत बड़ा झगड़ा रहेगा और जाकर जमीन पर देखेंगे तो पता लग जाएगा कि दुश्मन ने साजिश करके हमारे लोगों को भिड़ाने काम किया है और हम बुद्धिजीवी तभी है जब हम उस दुश्मन की साजिश को समझ के खबरदार होकर अपने लोगों को तैयार करें। हमें यह भी तय करना होगा कि कहीं हम इस मैदान में सिर्फ हारने के लिए तो नहीं आए। मैंने तो यह तय किया है व्यक्तिगत रूप से आपका अग्रणी होने के नाते, नेतृत्वकर्ता होने के नाते, कि मैं तो अपने मन में रोज ये तय करता हूं कि हमें ताकतवर बनना है, ताकतवर बनना। क्या आप अपने मन में इस सवाल को कभी उठाते हैं कि हमें ताकतवर बनना है? कितने लोग उठाते, जरा हाथ उठा के बताना। एक बाबर को छोड़ के इसको सब लोग मानते हैं, बाकी सब लोग ये सवाल करते हैं कि हमें ताकतवर बनना है, क्योंकि बिना ताकतवर बने हम लोग इस देश में अपने स्वाभिमान सम्मान और उससे भी बड़ा हम अपने वजूद को भी नहीं बचा पाएंगे। आज क्या हालात है मुल्क में, मैं उस पर चर्चा करूंगा आपसे। हम उत्तर प्रदेश के लोगों से भी, मैं स्पेशली कह रहा हूं राजस्थान के लोगों से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के लोगों से कह रहा हूं, क्योंकि वहां हमारा राजनीतिक आंदोलन जमीन पर बड़ा ताकतवर हो रहा है। हम विपक्ष है, विपक्ष का काम है कि सरकार ने जो वादे करके वो सरकार में आई थी उन वादों को विपक्ष होते हुए हमें उनसे पूरा करवाना। इसलिए हर महीने पे कोई ना कोई आंदोलन जो है जिला स्तर पे करते रहते हैं। इसलिए हमें अपने आंदोलनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, मुद्दों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, सरकार को देखना पड़ेगा कि सरकार ने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या उन्होंने पूरे किए हैं और इस झूठ को भी, जो झूठ फैलाकर उन्होंने हमारे लोगों की वोट लेने काम किया है, उस झूठ को भी समाज के बीच जाके बेनकाब करना पड़ेगा। हमें समाज के बीच जाके छोटी छोटी मीटिंग करके जो बड़े बड़े नेता हैं हमारे, उनको भी मैदान में उतर के लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन सब झाड़ से ही तैयार हो सकता है।
देखो दुश्मन पैसे भी देता है, दुश्मन साधन भी देता है, दुश्मन सब कुछ करता है। क्या यहां आया कोई व्यक्ति को किसने पैसा दिया है क्या? हाँ, हम पैसा भी अपना खर्च करते हैं, समय भी अपना खर्च करते हैं, ऊर्जा भी अपनी लगाते हैं, तन मन धन को भी अपने निछावर करने को तैयार है महापुरुषों के आंदोलन के लिए। तो हम यहां हारने के लिए नहीं आए, हमें इस आंदोलन को कामयाब करना है, इस बात का भी ध्यान हम लोगों को रखना। मैंने उत्तर प्रदेश में एक प्रेस वार्ता करके 5 मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित किया था, फिर मैंने एक सवाल जाके पूछा उत्तर प्रदेश के लोगों से कि भाई वो 5 मुद्दे आपको पता है? तो मैंने ये नोटिस किया कि हमारे सभी नेताओं को वो 5ों मुद्दे नहीं पता थे। ये सिर्फ मुद्दे नहीं है, ये हमारा चुनावी एजेंडा है। इसी चुनावी एजेंडे के साथ अगले चुनाव में हम लोग जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं बधाई देता हूं मैं उत्तर प्रदेश के साथियों को कि उन्होंने मजबूत संगठन जमीन पर तैयार किया है, और अभी जैसे जैसे समय नजदीक आएगा भविष्य के चुनाव का, तब तक हमारा संगठन और मजबूत हो जाएगा। वो 5ों मुद्दे भी आपको, आप सब लोगों को, पूरे देश में रहने वाले उससे जुड़े हुए मुद्दे, उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे राष्ट्रव्यापी है, हमें आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाना है। तो हर चीज पे मेरे द्वारा कही गई हर चीज पे आपकी नजर होनी चाहिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि भाई तो नहीं देख रहे, मैं इसके खिलाफ काम करूं, तो ये अच्छी बात नहीं है। भाई मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाऊं, इसके लिए मेरे पास एक ही जरिया है, या तो मैं बहुजन मीडिया के लोग मेरी बात को आपको सुना देते हैं, या फिर मंच से मैं अपनी बात को बोल देता हूं। टीवी वाले, अखबार वाले तो वही दिखाएंगे जो उनको दिखाना है, वो हमारी सारी बात को तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम उनको जो उनको जरूरत है वो नहीं देते। इसलिए आपको ही समाज के बीच में जाके मेरे द्वारा, पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा, हमारे लीडरशिप के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो करने की इच्छा है, उसको बताना पड़ेगा, तभी समाज के अंदर जागरूकता पैदा होगी। जैसे हमने मांग की और उसका निष्कर्ष भी आ गया, देखिए आज मैं आपको चर्चा करूंगा। हमने वहां ये मांग की थी जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भारत में मंडल कमीशन के बाद 49.5% पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की यही सीमा हो सकती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती। लेकिन फिर 2019 के चुनाव से पहले, लोकसभा के चुनाव से पहले, सरकार ने तत्काल ईडब्ल्यूएस पास करा दिया, और ईडब्ल्यूएस भारतीय संविधान की हत्या थी, क्योंकि भारतीय संविधान में आरक्षण प्रतिशत का जो पैमाना तय किया है वो आर्थिक आधार पर कभी नहीं हो सकता है। हमारे नेताओं ने अपने वोट बैंक के चक्कर में अपने ईमान को गिरवी रखकर उसका समर्थन किया, उसका परिणाम यह हुआ, जबकि वह असंवैधानिक था, लेकिन जब वो बात सुप्रीम कोर्ट में गई, हमारे लोगों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, लेकिन जिस तरह से भारत की न्याय व्यवस्था आज है और उसमें कोलोजियम सिस्टम है, उसकी वजह से पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वहां प्रतिनिधित्व नहीं है, चंद परिवारों का कब्जा है, उसके कारण वो ईडब्ल्यूएस उन्होंने संवैधानिक उसको जो है कर दिया, और भारत में आरक्षण की सीमा 49.5% से बढ़कर 59.5% हो गई। अब जो नए विज्ञापन आते हैं आप देखना, 2 साल में ईडब्ल्यूएस का कोटा अगर 100 भर्ती आ रही है तो 70 का आ रहा है, और जो इतने लंबे समय का बैकलॉग है उसमें दलित पिछड़ों के बच्चों का कोटा वो 2-2, 4-4 सीटों का आ रहा है। इसलिए हमने मांग की कि अब तो आपने आरक्षण की सीमा खत्म कर दी है, जो बैरियर आपने लगाया था 49.5% का, अब जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, अब आपको देश में सबके लिए संख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। और जब हम सरकार से बात करते हैं तो सरकार कहती है कि साहब हम पे तो साधन नहीं, तो हमने कहा कि ठीक है, आपने पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिया, आप गौर से सुनना मेरी बात को, जाकर समाज में बताना कि आपने पैमाना बना के 52% ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, उनका आधे से ज्यादा हिस्सा आप खा के चले गए, तो अब आप ये कहते हैं कि आप पे साधन नहीं, तो कम से कम जो अति पिछड़ी जाति है उनको उत्तर प्रदेश में 15% 27% के अलग
15% आरक्षण की व्यवस्था आपको अति पिछड़ी जातियों के लिए करनी चाहिए, जिससे जब 100 वैकेंसी आए तो 15 पद अति पिछड़ी जातियों के बच्चों को मिले, जब सिविल सर्विस की 100 वैकेंसी आए तो 15 बच्चे पाल, प्रजापति, कश्यप, निषाद, मौर्य, सात्य, कुशवा के भी जाए, उनका भी प्रतिनिधित्व हो, वो भी बैठ के कुर्सियों पर अपने समाज के लिए कुछ करे। उसी क्रम में हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की 66 जातियां हैं, 6 जातियों के लोग तो मेहनत करके किसी तरह से आगे बढ़ पाए, उनकी संख्या भी अगर आप से सही तरह से काउंट करोगे तो वो 25% से पार होगी, लेकिन आप उनको 15.5% आरक्षण देते हो तो जो अति दलित जातियां हैं, जिनके जिनका अभी तक जो शिक्षा में जिनका जो आगे नहीं बढ़ पाए, जिनका क्लर्क नहीं बना, उनको उनको अवसर मिले, इसलिए 5% अतिरिक्त आरक्षण जो मिल रहा है उससे ज्यादा 5% आप देने का काम करो, अगर वास्तविकता में इन वर्गों के आप जैसी हैं। जबकि मैं जानता हूं कि जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो इतनी नालायक सरकार है कि उसने तो अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए पूरे आरक्षण व्यवस्था का तमाशा बना दिया। इसका परिणाम हमने उत्तर जिला शिक्षक भर्ती में देखा, कल भी उस पर एक आदेश आया कि पूरी वो 6800 जो नियुक्ति अलग से दी गई थी हमारे आंदोलन के बाद वो निरस्त कर दी जाए। हमने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पद ही हमारे खा गए, चोरी और ऊपर से सीना चोरी, और फिर इनके बचाव में न्यायालय खड़े हो जाते हैं, ये अच्छा नहीं। इसलिए ये जब धर्म की बात करके हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे तो हमारे अपने लोगों को हमें जाकर बताना है कि आप इनसे यह भी सवाल पूछो कि आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा, आपकी जेब में पैसा कहां से आएगा, आपको जमीन कहां से मिलेगी, आपको आगे बढ़ने के अवसर कहां से मिलेंगे। अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने एक काम और किया, मैं उस पर भी आऊंगा, यह एक षड्यंत्र है, मैं उसको बेनकाब करूंगा अपने लोगों के सामने। यहां हमारी एक और 5 मांगों में जो हमने रखी थी उसमें यह भी मांग थी कि SC ST OBC के लोगों को ठेकेदारी में, जो सरकारी ठेके आते हैं उन ठेकेदारी में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि नौकरी आपने आजाद भारत में किसी को ज्यादा लोगों को नहीं दी। जो जमीनें दी गई थी पूर्व की सरकारों द्वारा, वो जमीनें भी सरकार छीन रही है, और उसका मैंने इतने दिन पहले आपको जागरूक किया था, कल सरकार ने कहा कि SC ST की जमीन जो है उत्तर प्रदेश में कोई भी ले सकता है, DM से परमिशन की जरूरत नहीं है। ये जमींदारों को, सामंतियों को, पूंजीपतियों को हमारी जमीन छीनने की अथॉरिटी दे रहे हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री से अभी ट्वीट करके कहा, यह मेरा संदेश है उनको कि यह गलतफहमी में मत रखना कि इनका कोई इनको कोई संभालने वाला नहीं, इनका कोई रक्षक नहीं है। अगर यह गलतफहमी है मुख्यमंत्री, तो निकाल लेना दिमाग से। अगर यह गलतफहमी हो गई हो कि इनका कोई रक्षक नहीं, इनके पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं, तो जब तक हम बाबा साहब अंबेडकर के बेटे जिंदा है तुमसे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, याद रखना मेरी बात। साहब ने कहा जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ व्यवस्था के कारण जिन लोगों के पास कोई साधन नहीं थे उनको आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिया। अगर ना होते बाबा साहब अंबेडकर तो आज हमारे तन पर ये कपड़े भी नहीं होते। इसलिए मैं सरकार को इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं, केंद्र की और भारतीय जनता पार्टी जहां सरकार है, कि अपने षड्यंत्र करने बंद कर दो, वरना अंजाम गुणस्ता बहुत बुरा होगा, इस बात को याद रखना। ये जमीन छीनना चाहते हैं और हम जमीन दिलाना चाहते हैं। ये बात भी आपको बतानी पड़ेगी कि जमीन दिलाने की ताकत सरकार में होती है, इसलिए हम कहते हैं कि अपने लोगों की चलो ताकतवर बनो। रोजगार देने की ताकत सरकार में होती है, इसलिए मैं आप लोगों से, मध्य प्रदेश राजस्थान के लोगों से कह रहा हूं कि अपने लोगों को इनके भरोसे मत छोड़ो, उनको हाथ फैलाने मत दो। रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए हमारे लोग वहां, इनके भरोसे मत रहो। अपने लोगों को ताकतवर बनाने के लिए, उनको समझाने के लिए उनके बीच में जाओ। और भी कई मांगे हमने वहां रखी थी उस समय, लेकिन क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें करनी है आपसे, एक षड्यंत्र जो किया ये बेनकाब होना बहुत जरूरी है। किसी की हैसियत नहीं पूरे देश में कि वो इस षड्यंत्र का सामना कर ले, लेकिन इस षड्यंत्र को बेनकाब करना नेतृत्वकर्ता के कारण मेरी जिम्मेदारी है। कल एक शासनादेश आया, हमारे नेता सभी सुने, उत्तर प्रदेश के
और ये सब जगह होगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, आप देख लेना। उन्होंने कहा कि 22 तारीख से 30 तारीख तक राम नवमी का त्यौहार है और तमाम तरह की जो धार्मिक आयोजन है वो होगा, और उसमें 1,00,000 रुपए हम लोग पंडे पुजारियों को ये काम करने का देंगे। पहली बात, संविधान ये स्पष्ट करता है कि कोई भी धार्मिक कार्य किसी भी जाति धर्म का हो वो सरकारी खर्चे पे नहीं हो सकता है। काले हाथ खोलो, दिमाग खोलो, हाथ हाथ मत जोड़ो, दिमाग खोलो, वो ये कह रहे हैं। देखो